अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे और अपने अच्छे अच्छे से कामों में बिज़ी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग में आप सबको वेलकम कहती हूँ। तो आज ही आउटडोर व्लॉग है और हम पहुँचे हैं मॉल ऑफ मुल्तान, द बिगेस्ट मॉल ऑफ मुल्तान, ब्रांड्स का गढ़ समझा जाता है। यानी आपको यहाँ पर ब्रांड्स ही ब्रांड नज़र आएंगे, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सी चीज़ें मिलेंगी। और ये देखिए जी, जूट से बना हुआ है खूबसूरत सा डेकोर यहाँ पर रखा हुआ है और बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर लग रहा है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा, आज तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं दिखा सकूँगी और क्योंकि ये बहुत बड़ा मॉल है और एक दिन में यहाँ पर सारा मॉल विज़िट करना मुमकिन है। तो जो कुछ आज दिखाना चाहूँगी दिखा दूँगी, इसके बाद दोबारा विज़िट होगा तो सब दिखाऊँगी। तो आज मैं ज़्यादा फोकस रखूँगी जी शूज़ कलेक्शन पर। तो यहाँ पर सबसे पहले बूट ब्रांड की तरफ आए हैं। मॉल ऑफ मुल्तान में बहुत से शू ब्रांड्स हैं और यहाँ पर मैं आपको एक नज़र इधर उधर घुमाते हुए ले जाऊँगी, क्योंकि आज मैं जो ख़ास तौर पर जिस ब्रांड के लिए आई हूँ वो है जी क्लाइव। तो सबसे पहले यहाँ पर बूट ब्रांड सामने नज़र आया है तो मैंने कहा कि चलें जी यहाँ भी देख लेते हैं कि यहाँ कैसे कैसे शूज़ पड़े हुए हैं। बूरजान के शूज़ के अलावा यहाँ पर बैग की कलेक्शन भी नज़र आ रही है। तो ये देखिए जी, यहाँ पर बैग भी पड़े हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से हैं। ये सिर्फ एक छोटी सी झलक है, काफ़ी बड़ा बूरजान का स्टोर है और यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा यानी डिज़ाइनिंग नज़र आ सकती है, बहुत ज़्यादा अच्छी कलेक्शन नज़र आ सकती है। मुझसे जितना हो सक रहा है मैं उतना ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है जी रेडीमेड गारमेंट्स स्टोर, यानी यहाँ पर आपको स्टिच जो हैं वो ड्रेसेस मिलेंगे और हर डिज़ाइन में। और ये देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से डिज़ाइन है, बहुत प्यारे से कलर्स हैं और बिल्कुल न्यू अराइवल नए डिज़ाइन। तो यहाँ पर मतलब बंदा फ्लोर पर फ्लोर चढ़ता ही जाए या उतरता ही आए, जिस फ्लोर पर चढ़ेंगे या उतरेंगे बेशुमार ब्रांड्स नज़र आएंगी। तो ये है जी अलमास, ये भी एक बहुत बड़ी ब्रांड है मतलब बैग्स की और शूज़ की। यहाँ से भी मैं आपको तमाम वो चीज़ें न्यू अराइवल दिखा रही हूँ जो कि अभी नई नई आई हैं। और क्योंकि मैं जिस जगह भी जा रही हूँ, जिस स्टोर पर भी जाऊँगी, वहाँ से न्यू अराइवल्स ही आपके साथ मैंने शेयर करने हैं। तो ये देखिए जी, कितनी खूबसूरत नई कलेक्शन इनकी आ चुकी है। ये देखिए आपके सामने ही सब लिखा हुआ है कि न्यू अराइवल, और ये तमाम बैग्स जो हैं ये न्यू अराइवल हैं।
लीजिए जनाब, जिस तौर पर मैं ख़ास तौर पर आपको ये व्यू देने के लिए आई हूँ, और यहाँ से कुछ हमने देखना भी है, मेरे साथ मेरे फ्रेंड भी हैं और उन्होंने भी यहाँ से शूज़ लेने हैं, तो ये है जी क्लाइव शूज़, और बहुत ही खूबसूरत इनकी कलेक्शन होती है, मुझे बहुत पसंद है। और सबसे पहले जो है ये मैं आपको जो बहुत ही खूबसूरत से शूज़ हैं वो आपको दिखा रही हूँ, और ये देखिए जी सब आपके सामने नज़दीक नज़दीक से दिखाऊँगी, इनकी हील्स दिखाऊँगी। ब्राइडल्स के लिए, हर तरह के फंक्शंस के लिए क्लाइव शूज़ की कलेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इनकी कलर कम्बिनेशन, इनकी डिज़ाइनिंग, और इनका ख़ास तौर पर इनकी क्वालिटी जो शूज़ की होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। मॉल ऑफ मुल्तान में बहुत बड़ा स्टोर है इनका, और मैं अभी बाकी भी आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, पहले मैं इधर से आपको सारा इधर से इनका नज़ारा करवा दूँ, किस कदर खूबसूरत इधर शूज़ पड़े हुए हैं। और ये देखिए जी, जितने भी शूज आपको दिखा रही हूँ ये इनकी न्यू अराइवल है। खुशों की बहुत बड़ी तादाद खूबसूरत डिज़ाइनिंग में, बहुत ही प्यारे प्यारे खुशे हैं यहाँ। यकीनन इस वक्त आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इससे पहले जो मैंने स्टोर दिखाए हैं वहाँ पर इस तरह की कलेक्शन अभी मौजूद नहीं है, वहाँ भी आती जाती रहती है, और वजह यही है कि क्लाइव पर बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग होती है। क्लाइव स्टोर पर आकर आप खाली हाथ, मेरा मतलब कि खाली पाँव बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर जाएंगे। ब्रांड्स आपको मैं दिखा रही हूँ ये सिर्फ मॉल ऑफ मुल्तान में ही नहीं है, बल्कि मुल्तान में काफ़ी जगहों पर हैं, यानी कैंट में है, गुलगश्त में है।
बाज़ात ऐसा होता है कि हमें एक स्टोर से कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं मिलती तो यकीनन दूसरे स्टोर से आराम से मिल जाती है, यानी कि हम किसी इसी ब्रांड की किसी दूसरे स्टोर पर जा सकते हैं। और यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ क्लाइव के खूबसूरत आर्टिफिशियल ज्वेलरी सेक्शन पर। सोचा शूज़ के साथ साथ आपको ज्वेलरी भी यहाँ की दिखा दूँ। तो यहाँ पर खाना भी बहुत ही मज़े का मिलता है और बहुत सी ब्रांड्स हैं यहाँ खानों की। और यहाँ पर हमें खाना खाने के लिए सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाना पड़ता है। तो जी ऊपर जाने के लिए बहुत सारी स्टेयर्स को चेंज करना पड़ता है और साथ साथ मैं आपको मॉल ऑफ मुल्तान का खूबसूरत सा व्यू देती जा रही हूँ। और जैसा कि मैंने बताया है कि ये बहुत बड़ा मॉल है, बहुत बड़ी ब्रांड्स हैं यहाँ पर। और जैसे जैसे मैं यहाँ पर दोबारा आती जाऊँगी आपके साथ बहुत कुछ शेयर करती जाऊँगी। पहुँच चुके हैं जी हम अपने खाने की टेबल पर। यहाँ कुछ हमने खाना ऑर्डर किया है और साथ में KFC, मैकडोनल्ड और बहुत से यहाँ पर ब्रांड्स हैं जो भी कुछ खाना चाहें। और यहाँ पर एक प्लेटर भी मंगवाया गया और काफ़ी टाइम हमने यहाँ भी बैठकर अपना बड़ा एंजॉय किया। यहाँ पर बहुत से बच्चे बच्चियाँ जो कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं वो यहाँ आकर खाना खा कर जाते हैं और बहुत सी फैमिलीज़ भी आती हैं। मतलब ये कि इस शॉपिंग मॉल पर ना सिर्फ शॉपिंग की जाती है बल्कि मज़े मज़े के खाने भी खाए जा सकते हैं। हो गया जी टाइम हमारे वापस जाने का और वापसी पर भी मैं आपको इस खूबसूरत से मॉल का बहुत ही खूबसूरत सा एक व्यू देती हुई जा रही हूँ। और जब भी इंशाल्लाह दोबारा चक्कर लगा मैं यहाँ पर बहुत ही ख़ास तौर पर जो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत सी चीज़ें हैं यहाँ पर डेकोरेशंस भी बहुत प्यारे मिलते हैं यहाँ पर। मतलब हम जो चीज़ भी लेना चाहें बहुत ही आसानी से, लेकिन ज़रा महंगी ब्रांड्स वाली चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं। यहाँ पर हमें जब भी आना पड़ेगा तो अपना पर्स ज़रा भारी करके लाना पड़ेगा। और देखिए जी अब इसी तरह जिस तरह के हम ऊपर चलते चले गए और इसी तरह अब हम नीचे की तरफ जाएंगे और वापस हम अपने मतलब रास्ते की तरफ निकलते ही चले जाएंगे। तो ये देखिए जी इस मॉल का मैं एक ऊपर से नीचे तक का व्यू दे रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। कैसी लगी जी आज की ये खूबसूरत सी मॉल ऑफ मुल्तान की वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।